अपॉन देम है। क्लास 9 का ये पहला चैप्टर है इंग्लिश का, क्लास 9 प्रोज का ये पहला चैप्टर है इंग्लिश का, जिसका नाम क्या है, द फन दे हैड। बोलो द फन दे हैड। इसमें मार्गी और टॉमी के बारे में कहानी जो हम लोग पढ़े हैं उसके क्वेश्चन आंसर हम लोग करने जा रहे हैं। पेज नंबर 10 पर सभी प्रश्न के उत्तर दिए हुए हैं, जिसको भी लिखाया गया तो उसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्गी और टॉमी जो कहानी के दो कैरेक्टर हैं उनका उम्र क्या हो रहा था। तो आंसर क्या है, मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 इयर्स ओल्ड। मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 इयर्स ओल्ड। मार्गी कितने साल का था, 11। टॉमी कितने साल का था, 13। बड़ा कौन था, टॉमी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्गी ने अपने डायरी में क्या लिखा था, मार्गी का एक डायरी था ना, उसमें क्या लिखा था। तो आंसर क्या है, मार्गी रोट इन हर डायरी, टुडे 17th May 2157 टॉमी फाउंड ए रियल बुक। क्या लिखा था उसने कि आज 17 मई 2157 को टॉमी ने एक रियल किताब पाया। क्या पाया, रियल बुक। क्या पाया, रियल बुक। ये वो लिखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर, हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर का मतलब क्या, मार्गी ने कभी कोई किताब पहले देखा था, ठीक है। आंसर नो, मार्गी हैड नेवर सीन ए बुक बिफोर। मार्गी ने पहले कभी कोई पुस्तक किताब नहीं देखा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। किताब में उसको ऐसा क्या चीज मिला जो उसको बड़ा स्ट्रेंज लगा, विचित्र लगा। आंसर क्या था, बुक हैड येलो एंड रिंकल्ड पेजेस, द वर्ड्स ऑफ द बुक वर स्टिल, दे डिड नॉट मूव एज द वर्ड्स मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, शी फाउंड दिस थिंग स्ट्रेंज। क्या, दे डिड नॉट मूव एज द वर्ड्स मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ चीज लिख के उसको रिमूव कर लेता है, हटा लेता है, ठीक है, या उस पर हम चेंजिंग ले आते हैं, लेकिन इसमें ये सब चीज नहीं थी, ये उसको स्ट्रेंज लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक ए टेली बुक इज, व्हाट डू यू थिंक ए टेली बुक इज। टेली बुक क्या है, टेली बुक के बारे में क्या आइडिया क्या है अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी। आंसर क्या है, टेली बुक इज डिस्प्लेड ऑन द टेलीविजन स्क्रीन एंड द टेक्स्ट ऑफ ए टेली बुक इज सिमिलर टू अ बुक। क्या कह रहा है, ए टेली बुक इज डिस्प्लेड ऑन द टेलीविजन। टेली बुक क्या है, जैसे हम लोग कोई किताब पढ़ते हैं तो अपने उस किताब है तो इसमें पेपर में प्रिंट किया हुआ है, लेकिन टेली बुक में कोई भी पेपर नहीं होता है और उसमें इस तरह का प्रिंटेड बुक्स नहीं मिलते हैं, बल्कि क्या होता है, टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ लिखे रहते हैं, है ना, और कैसे चीज लिखे रहते हैं, जैसे किताब में लिखे रहते हैं। जैसे ये भी आप क्या देख रहे हो, स्क्रीन देख रहे हो, इस स्क्रीन में बहुत सारे चीज लिखा हुआ, किताब में भी ऐसे ही लिखा रहता है। अंतर क्या है कि उसमें कागज में लिखा हुआ और इसमें कहां लिखा हुआ है, कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा हुआ, ठीक है, पर्दे पर लिखा हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, टेली बुक कह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल, डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल, मार्गी का स्कूल कहां था, Did she have any classmates? क्या उसके कोई क्लासमेट भी थे, क्लासमेट मतलब फ्रेंड, जैसे आप लोग सब क्लासमेट हो ना, एक ही क्लास में पढ़ते हो। आंसर इसका क्या है, मार्गी स्कूल वॉज नियर हर ऑन बेडरूम। मार्गी का स्कूल क्या है, उसके बेडरूम, बेडरूम का मतलब क्या होता है, सोने का कक्ष, तो उसका स्कूल कहाँ था, जहां उसका सोने का कक्ष।
किसका? मार्गी का। और दूसरा क्वेश्चन, डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसके कोई क्लासमेट थे? आंसर है शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, उसके कोई भी क्लासमेट नहीं थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? मार्गी और टॉमी कौन कौन से विषय पढ़ते थे? ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। आंसर इसका, मार्गी लर्न ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स। मार्गी क्या पढ़ता था? ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स। और टॉमी क्या पढ़ता था? हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। क्या? हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये जो 7 क्वेश्चंस थे इंग्लिश के पहला चैप्टर प्रोज द फन दे हैड क्लास 9 का पेज नंबर 10 में दिए हुए हैं, उसके सारे आंसर्स को हमने क्या किया? एक्सप्लेन कर दिया इंग्लिश में।